स्वामी टाइम्स में आपका स्वागत है। मराठी पत्रकार संघ में ऑल POC सेंटर ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सभी पत्रकारी ने अपने अपने मुद्दे पेश किए। BS4 BS6 का नॉर्म था कि त्यांना एक वर्षाची वैलिडिटी दिली, म्हणजे सरकार ने आमचा नाक दाखवून धुक्याचा मार दिला आम्हाला सरकारने। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मुद्दा ये है कि पिछले 12 साल से हमारे PUC के जांच के जो दर है, रेट्स है, वो गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं है। हमने कई निवेदन दिए सरकार को पिछले 12 साल में, हर साल कम से कम 4 से 6 ऑफिशियल लेटर हमने उनको दिया है। हमने सरकार मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की, हम मिनिस्टर साहब से भी मिलकर आए, उन सबको हमने रिक्वेस्ट किया, सबको लेटर्स दिए, लेकिन 12 साल में हमारे रेट्स बढ़े नहीं। थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है पिछले दो साल में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन करने के अलावा BS4 और BS6 ये दो प्रकार की गाड़ियाँ ज़्यादा अभी मार्केट में आ गई हैं। तो ये सारी गाड़ी जाँच करने में हमको एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है, और दूसरा है ना, ये गाड़ी जाँच करने में हमारी मशीनें ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इससे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत बढ़ गई है। हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके सामने इनकम वही की वही है जो 12 साल पुराने रेट दिए थे। अब जो सरकार ने उस समय रेट नक्की किया था 35 रुपया 2-व्हीलर का, उस समय के हिसाब से ठीक था, वो मैनुअल था, उस समय एक सिंगल गैस चेक होती थी। आज है ना, उसके बाद में है ना, गवर्नमेंट का धीरे धीरे है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो हिसाब से हमको गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स भेजे कि भाई आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन बदली करनी है। तो पहले 2 गैस था एनालाइज़र, फिर उसके बाद में 4 गैस एनालाइज़र हुआ, तो 4 गैस चेक होने लगी। 4 गैस एनालाइज़र आने के बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि इसको ऑनलाइन करो, तो सारे कंप्यूटर सिस्टम लगाए, तो एवरी टाइम एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला गया, कॉस्ट हमारी है ना जो इनकम है वो, और गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई नहीं, तो उसके फेस में मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप खुद देखिए, 2011 से लेकर के अभी तक आप कोई भी चीज़ की कॉस्टिंग देख लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा मिलेगा। मैं आपको एक मोटा मोटी 5-6 चीज़ का एग्जांपल बताता हूँ कि 2011 में पेट्रोल था 71 रुपया लीटर, आज हो गया 108 रुपया लीटर। मैं मलाड रहता हूँ, मलाड में 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में घर मिलता था, पहले फ्लैट मिलता था, आज 12,000 रुपये के नीचे वहाँ पर है ना फ्लैट नहीं मिलता है। कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई देख लीजिए आप। चाय हम लोग कटिंग चाय पीते थे, 1 रुपये में आती थी, आज 10 रुपये की एक कटिंग चाय आती है। तो हर चीज़ की, ऐसे मैं आपको 10 चीज़ की है ना कॉस्टिंग बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप छोटी से लेकर बड़ी देख लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही है जिसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी है, और सरकार हमारी बात सुनने तैयार नहीं। हमारे समझ के बाहर की बात है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं महाराष्ट्र में, भंडारे जी ने आपको बताया 1500 POC सेंटर्स वाले हमारे साथ में पूरे महाराष्ट्र में जो है, इसके ऊपर करीबन 40,000 लोग डिपेंडेंट है, 40,000 लोग, 40,000 फैमिली समझो आप, लोग नहीं 40,000 फैमिलीज, थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट ने इसको।